ओ शिट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इतना आया कभी वन डिप जितना एक उसमें निकला नहीं हुआ। अभी लिपस्टिक की बारी है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूजन यूट्यूबर। हम दिया चावला एंड आज का जो मतलब चैलेंज मैंने करा है, आई होप मैंने इसको बहुत अच्छे से किया होगा, शायद थोड़ा एंटरटेनिंग बनाया होगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा मैंने कुछ इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग काम किया है, पर जस्ट मैंने मेकअप कुछ ऐसा यूज़ किया था। एंड इसमें होना क्या है, आपको एक डिप में या एक पर्टिकुलर टच होने पे जितना आपका मेकअप निकलेगा, आपने उस मेकअप के साथ अपना पूरा फेस का मेकअप करना है। वन डिप चैलेंज, मैंने हर चीज़ के लिए आपको वन डिप ही लेना है। फाउंडेशन हो जाए, कंसीलर हो जाए, लिपस्टिक हो जाए, आई शेडोज हो जाए, या कुछ भी हो जाए, तो आपको इतने से ही करना है। एंड आई थिंक मैंने अच्छा कर लिया है, आई थिंक सो। सो चैलेंज बिकॉज मैंने दो तीन ट्यूटोरियल्स देखे थे इसके दूसरों को करते हुए, फॉरन यूट्यूबर्स थी उनको करते हुए, सो आई थॉट वाई नॉट मैं ट्राई करूँ इस चीज़ को। तो आई एम डूइंग दैट एंड यू कैन सी हाउ आई डन इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्किन को मैं पहले से ही अच्छे से प्रेप कर आई हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता मेरे मुंह पे प्रोडक्ट जो है, जो मेकअप है, वो ज़्यादा लगने वाला है कि बहुत कम लगने वाला है। सो स्किन मैंने बहुत अच्छे से प्रेप करी है और उसका शूट वगैरह कुछ भी नहीं करा मैंने। एंड नाउ आई एम क्विकली जंपिंग ऑन द मेकअप। और सबसे पहले मेकअप के लिए मेरे बास्केट तैयार है और हम यूज़ करने वाले प्राइमर। सो एक उसमें जितना निकलेगा मुझे उतना ही प्राइमर यूज़ करना है, होपिंग फॉर द बेस्ट। ओके, इतना सारा प्राइमर निकल आया है और मुझे इतना सारा प्राइमर ही यूज़ करना है। जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती जाऊँगी उसको मैं साइड पर रखती जाऊँगी, सो डैट इंटरप्ट ना करे। पूरे फेस पर लगा लेते हैं, बहुत सारा निकल तो आया, इतना रह गया रिदन पे। ओके, सो आई एम बैक विद माई ब्यूटी ब्लेंडर और अभी मेकअप स्टार्ट होने वाला है। तो फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। वाई आई चूज दिस, बिकॉज ये आता है स्पैचुला के साथ में, तो मतलब एक ही लिप में जितना निकलेगा मुझे उतना लगाना है। शेक बिफोर यूज, और मैं इसको अपने बैक ऑफ द हैंड पे लेने वाली हूँ, मुँह पे नहीं। यू कैन सी इतना है अगल बगल, सो आई एम टेकिंग दिस ऑन बैक ऑफ माई हैंड। बहुत सारा ये तो, चलो कुछ अच्छा होगा आई होप। मेरा मिरर कहाँ है? ओके, अप्लाइंग इट। बहुत सारा फाउंडेशन लगने वाला है। क्लीन नाउ आई एम ब्लेंडिंग दिस विद माय ब्यूटी ब्लेंडर। हो गया, नाउ फॉर द कंसीलर पार्ट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, मेरा शेड थ्री, तो इतना निकला इसमें से प्रोडक्ट। एंड इसी से मुझे अपने कंसीलिंग एरियाज को जहाँ जहाँ ऑलमोस्ट मैं कंसीलर लगाती हूँ वहाँ पे लगाना है। ज़्यादा हो जाएगा तो टेंशन नहीं है, कम हो जाएगा तो बहुत टेंशन है। अच्छा भाई कहीं तो
परफेक्ट। अभी मोस्ट ट्रिकेस्ट पार्ट है, क्यों? क्योंकि जो मतलब मैं यूज़ करती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर अपने कंसीलर को सेट करने के लिए, बट कॉम्पैक्ट पाउडर ब्रश से इतना अच्छा आता नहीं है, हाथ से इतना अच्छा आता नहीं है, और ब्यूटी स्पॉन्ज से इतना अच्छा आता नहीं है, तो डैट गोना बी अ डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज यू कैन सी कैसे आएगा। बट एनी हाउ आई हैव टू डू, सो आई एम टेकिंग दिस बिग फ्लफी पाउडर ब्रश। ट्रिक है भाई, सिर्फ इतना आया। होप सो कंसीलर सेट हो जाए, वरना इतना गंदा क्रीज करने वाला है। कुछ तो होगा। ओके, बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट उसमें सेट हुआ मेरा कंसीलर। ओके देन, अभी इसको कवर कर देते हैं, ठीक है? ये ब्रश है नहीं अब किसी काम का। अब करने वाली हूँ मैं अपनी आईब्रोज को सेट, और उसके लिए आई एम यूजिंग दिस पैलेट। इसका डार्क ब्राउन शेड दूंगी, और आई शेडो भी मैं इसी के साथ लगाऊंगी, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट पिगमेंटेड पैलेट आई हैव। सो अगर एक भी स्वाइप में कलर लेना होगा तो अच्छा खासा कलर आ जाएगा। तो आई एम यूजिंग विच ब्रश, दिस वन, दिस नाम क्या है इसका? वैसे तो ये कंसीलर ब्रश है, बट इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन करूँगी एक ही उसमें। तो आई एम टेकिंग दिस ब्राउन शेड। क्या गिरा? ओके, पहले टूट गई मेरी। दिख रहा हो अगर, जस्ट एक टू सा साइड पे, और इससे अब मैं करूंगी आईब्रोज फिलिंग। वैसे ये थोड़ा लाइट कलर था मेरी आईब्रोज के लिए। अच्छा लो, एनी हो गई, थोड़ी सी और, थोड़ी सी ओके। सो इसके बाद स्टेप होता है आई शेडो का। सो आई एम यूजिंग विच ब्रश, दिस बिग फ्लफी ब्रश, और मैं लेने वाली हूँ ये वाला ट्रांजिशन शेड, जितना एक उसमें आ गया। इतना आया है, इसको मैं अपनी क्रीज पे सेट करूँगी हल्का सा टैप। अपने थोड़ा सा क्रीज से ऊपर भी किया है, ओके। तो अभी आउटर वी रह गया, तो उसके लिए आई एम यूजिंग
अ स्मॉलर आई शेडो ब्रश, और मैं लेने वाली हूँ दिस शेड। कम आया एनीवेज। खत्म भी हो गया यार, कुछ कलर ही दे देता। और हल्की सी डेप्थ मिली है, ठीक है। आई विल वर्क विद दिस। अभी द ट्रिकीस्ट पार्ट, मेरे को अप्लाई करना है थोड़ा ग्लिटरी शेडो, एंड आई एम यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम स्विस ब्यूटी। इसमें से आई विल टेक इसके साथ शायद ये वाला शेड, शायद नहीं, बहुत बेकार लगने वाला है। तो I'm taking this shade with my finger, clean finger. So, when my finger dipped out here, I just take this one. I mean that much. और इसको मैं अपने आईलिड्स पे लगा लूंगी, जो हाफ आईलिड्स है उस पे। ओह वाओ, दिस शेड इज नाइस। पहले क्यों नहीं यूज किया मैंने? नाइस। सो आज मैंने इस मेकअप के लिए कोई लाइनर चूज़ नहीं किया है। वाई? बिकॉज एक स्वाइप में लाइनर नहीं लगता, उसको बहुत सारे स्वाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। सो आई एम स्किपिंग द लाइनर पार्ट एंड क्विकली जंपिंग ऑन द मस्कारा वन। ओके, आई फॉरगॉट द मस्कारा ऑल्सो। वेल डन दिया चावला। एनीवेज, सो आई थिंक मस्कारा सबसे एंड में लगा लूँगी। तो अभी हाइलाइटर पार्ट रह गया। हाइलाइटर हाइलाइटर हाइलाइटर, उसके लिए भी आई एम यूजिंग दिस कंसीलर ब्रश, और हाइलाइटर के लिए आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी की पैलेट, और उसमें से मैं शेड लेने वाली हूँ दिस वाइट वन, जितना एक उसमें आ गया। सिर्फ इतना सा आया। इनर वी एंड ब्रा बोन्स को हाईलाइट करने वाली हूँ। नहीं हुआ। हेलो। सो मुझे याद है मैंने अपनी लोअर लैश लाइन को नहीं किया हाईलाइट, आई मीन कलर। तो ब्रश पड़ा है, शायद इस पर थोड़ा बहुत हो, एज यू कैन सी है या नहीं है। इसी को ही मैं यूज़ करूँगी अगर थोड़ा बहुत कलर आ गया तो। नहीं आया, इसमें आया। ओके, अभी ब्लशर एंड हाइलाइटर लिपस्टिक रह गए हैं। ब्लशर के लिए आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का ब्लशर, एंड आई एम टेकिंग दिस ब्लशर ब्लश फ्रॉम प्यूना स्टोर, और एक उसमें जितना आया। ओ शिट, बहुत ज़्यादा है।
आई डू कॉन्टोर ऑल्सो, मतलब मैं ब्लश कुछ इस तरीके से लगाती हूँ वो थोड़ा सा कॉन्टोर वाला फील भी दे, सो कॉन्टोर का काम भी हो गया। नॉट बैड, एक्चुअली नॉट बैड। हाइलाइटर के लिए आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड हेलो हेलो लिक्विड हाइलाइटर। एक उसमें जितना निकल आया वही लगाना है। ओके गोइंग स्ट्रॉन्ग। इसको फिंगर की हेल्प से आई एम ब्लेंडिंग। इसको थोड़ा कम करने के लिए आई एम यूजिंग माई वेट ब्लेंडर। अभी लिपस्टिक की बारी है, सो आई थिंक आई एम यूजिंग अ पिंक लिक्विड लिपस्टिक। नॉट मच। डन विद द लिपस्टिक। अभी मैं लिख के आऊँगी मस्कारा एंड वो अप्लाई करूँगी मैं। एंड आई एम बैक, और ये जो है मेरे हाथ में मस्कारा वो है मेबलिन ब्रांड का। इसका भी वन डिप जितना एक उसमें निकला वही लगाना है। साफ तो कर सकते हैं आई थिंक, बस इतना लगाना है। एंड डन। सो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका है, सो जस्ट हेयर स्टाइल बनाती हूँ। आई होप आई डन जस्टिस विद दिस चैलेंज, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड आई होप यू लाइक इट। इफ यस देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। एंड ऑल्सो डू कमेंट कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा, और अगर आपको इस तरह के कोई और चैलेंज भी मेरे चैनल पर देखने हैं मेरे साथ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट, थैंक यू।